चैनल, दिस इज मी सना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है मेरी फ्रेंड का माइयो और उसका डेकोर करने की जिम्मेदारी है मेरी, और मैंने सोचा कि ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से आप कम बजट में इतना प्यारा सा डेकोर कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए होंगे डिफरेंट कलर्स के फैब्रिक। मेरे पास दो शिमर थे, रेड कलर में और एक गोल्डन शिमर था। उसके अलावा मेरे पास पिंक एंड येलो कलर के फैब्रिक थे काफी, मैंने वो यूज किए हैं बैकग्राउंड पे। आप लोग चाहें तो क्रेप पेपर भी यूज कर सकते हैं। आजकल लोग ज्यादातर क्रेप पेपर यूज करते हैं, क्रेप पेपर की लेंथ काफी होती है, तो वो बड़ा ही डिफरेंट क्रेप पेपर लेके पीछे बैकग्राउंड पे यूज कर लेते हैं। और अगर आप लोग क्रेप पेपर नहीं यूज करना चाहते, आप लोग फैब्रिक यूज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास दुपट्टे होंगे शिफॉन के जैसे कि मेरा। तो जब सबसे पहले मैंने डेकोर किया था तो मैंने अपना ये दुपट्टे यूज किए थे, और अगर मेरे पास कोई पिक्चर निकली तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी। आपको चाहिए होगी 10 फेरी टेल लाइट, गेंदे के फूल की लड़ियां, करीबन 30 लड़ियां आप लोगों को चाहिए होंगी, और एक स्टैंड। मेरे पास तो मेरा आयरन का स्टैंड है क्योंकि मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ, तो मेरे पास तो स्टैंड अवेलेबल था। लेकिन अगर आप लोग के पास कोई स्टैंड अवेलेबल नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आपको एक तो स्टैंड रेंट पे भी मिल सकता है, 1000 के करीब आपको स्टैंड रेंट पे मिल जाएगा। वो बंदा खुद ही आपके घर देने आएगा और लेकर चला जाएगा और आपका स्टैंड लगा के भी देकर जाएगा, और थोड़े बहुत अगर आप उसको पैसे दें तो आपका फैब्रिक भी हैंग कर ही देगा। लेकिन अगर आप लोग इस चीजों इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो बहुत इजी है कि आप लोग जिस रूम में आप डेकोर करना चाहते हैं, अगर वहां पे कोई भी कर्टन वाली जगह है, कर्टन रोड लगा हुआ है, कर्टन के रोड के ऊपर भी आप ये फैब्रिक हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो रूम में कर्टन लगा हुआ है उस कर्टन के ऊपर भी सेफ्टी पिन या कॉमन पिन्स के साथ उस कर्टन के साथ अटैच कर सकते हैं फैब्रिक को, और सेम एग्जैक्ट यही लुक आएगी। अच्छा, कोशिश करिएगा सेंटर वाले पार्ट में आप लोग फेरी टेल लाइट्स ना लगाएं, क्योंकि जब आप पिक्चर्स लेते हैं ना तो पीछे बैकग्राउंड पे आपके पिक्चर के पीछे लाइट्स होना तो वो सारी आपके पिक्चर खराब होती है। तो मैंने सिर्फ सेंटर वाले पार्ट में लाइट्स नहीं लगाई थी, क्योंकि जब पीछे से फेरी टेल लाइट्स का इफेक्ट आता है तो मोबाइल में पिक्चर्स अच्छी नहीं आती। हाँ, कैमरे में पिक्चर्स ठीक आती है, अगर आपने फोटोग्राफर हायर किया हुआ है या किसी फोटोग्राफर ने आता फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो आप जितनी मर्जी फेरी टेल लाइट्स पीछे भी लगा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। हाइट के अकॉर्डिंग स्टैंड सेट करके लगाया हुआ है, जब पूरा तैयार हो जाएगा हर चीज मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, तो मैं स्टैंड को थोड़ा ऊपर कर दूंगी, हाइट पे कर दूंगी, ताकि पीछे से कर्टन वगैरह ना आए और एक फाइनल लुक जिस तरह से आपको मैंने दिखाई है उस तरह की लुक आएगी। ये है फैब्रिक, और मैंने कॉमन पिन की मदद से शिमर वाले फैब्रिक को जोड़ दिया है पीछे से। शाम को डेकोर करने और गेंदे के फूल सुबह फ्रेश फ्रेश आएंगे और फ्रेश फ्रेश लग जाएंगे। ये मैं फेरी टेल लाइट्स लगा दी हैं। अब बैकड्रॉप सेट हो गया है, और अब मैं करने लगी हूँ दोनों साइड्स, क्योंकि सेंटर में आपका सोफा आ जाएगा और साइड पे आप लोगों को कॉर्नर सेट करने लगी हूँ। इस तरफ को मैं लेवल बना के इसके ऊपर जो छापे नहीं मिलते मेहंदी वाले वो सेट करूंगी, और उनके ऊपर गेंदे के फूल सेट करूंगी। एक छोटा सा स्टूल लिया है और स्टूल के ऊपर मैंने अपना स्टोरेज बॉक्स रखा है, मेरे पास राउंड में स्टोरेज बॉक्स था, ये मैंने सेट कर दिया है, ये वन लेवल बन गया। और इससे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और ये मेरे पास छोटा सा जो है स्टूल था, सिटिंग स्टूल था, वो मैंने रखा, और ये मेरी जी वन और टू लेवल बन चुका है। इसके ऊपर मैंने व्हाइट फैब्रिक लिया, आप कोई भी फैब्रिक लगा सकते हैं, और उसके ऊपर मैंने नेट से अच्छे तरीके से उसके ताकि व्हाइट फैब्रिक भी नजर ना आए, वहां पे मैंने दोनों छाबे रख दिए, और इसके ऊपर मैंने पूरा फेरी टेल लाइट सेट कर दिए। ये है प्रॉप्स जो मैंने कैनवा पर डिजाइन किए। डबल टेप की मदद से सारा चिपका दिया,
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग किस तरह से कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉप्स, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं आप लोगों के साथ वो ट्यूटोरियल बना के भी शेयर कर दूंगी कि आप किस तरह से कैनवा यूज़ करके डिफरेंट प्रॉप्स और इस टाइप के टैग्स बना सकते हैं। चैनल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।